चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी सुपरस्टार 5 मई को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने जा रही स्क्रीन एनेस्थेसिया भोजपुरी सिनेमा अवार्ड के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2017 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म के विभिन्न श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड के आयोजक अरुण ओझा, वेद तिवारी और संयोजक विकास सिंह वीरप्पन ने मुंबई में अवार्ड का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर लॉन्च करते हुए बताया कि इच्छुक निर्माता अपनी फिल्म 5 अप्रैल तक आयोजक से संपर्क कर भेज सकते हैं। आपको बता दें कि फिल्म का सभी कैटेगरी में नॉमिनेशन प्रक्रिया जारी हो चुकी है। स्क्रीन एंड स्टेज भोजपुरी सिने अवार्ड में सहयोग कर रही हावड़ा की भोजपुरी नवयुवक संघ, जबकि आयोजक हैं अरुण ओझा, वेद तिवारी और मृत्युंजय पांडे। आयोजकों ने बताया है कोलकाता में पहली बार नेताजी इंडोर स्टेडियम में विशाल मंच पर अवार्ड के बीच भोजपुरी कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भोजपुरी दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह पहला मौका है जब किसी अवार्ड में पूरी भोजपुरी फिल्म जगत के एक मंच पे दिखाई देंगे, जैसे कि रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, काजल राधवानी, आम्रपाली दुबे, सुबी शर्मा जैसे मजे हुए कलाकार स्टेज पर अपना भोजपुरी जलवा पेश करेंगे।